दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सेल का पीरियड चल रहा है, डिस्काउंट लिया कि नहीं अभी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि कोई फोन उन कुछ लिया है आपने। आपने मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा भी था कि फालतू के खर्चे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरी है कोई चीज तो ही लें या फिर अपने पैसे बचाएं, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है कि पैसे बचाने की बहुत जरूरत है लिटरली इस टाइम। एंड वैसे भी लोगों के जॉब जा रहे हैं एंड डेली खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए, वो तो कभी कम नहीं हो सकते कि ऐसा टाइम आ जाए कि बिना पैसे के काम चल जाए। तो पैसे बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल अगर आपको ज़रूरत है तो खरीदिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खरीदिए, मैंने भी खरीदा है। और विवेक आंसर्स 13 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने अपना नाम बताया गया, मेरा नाम विवेक सिंह है हाँ, और विवेक आंसर्स 13 एपिसोड में आपका स्वागत है। अगले अगर उसके लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे क्वेश्चन लिख दो, मैं वहां से पिक करूंगा एंड अगले वाले एपिसोड में आप आ सकते हो। आने के चांसेस है, 20-25 क्वेश्चन लेता हूं, लग रहा तो आपका आप आ सकते हो। चलते से वीडियो की तरफ, टाइम पास बहुत ज्यादा कर लिया मैंने ऑब्वियसली। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आयुष चंदनानी की तरफ से, कांग्रेट्स फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स इन एडवांस, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं देखा, मैंने तो 99,650 के आसपास कुछ थे, तो 350 सब्सक्राइबर्स और चाहिए मेरे ख्याल से, आज रात होते होते हो जाएगा, कल सुबह आपको 1,00,000 की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन है कर्व्ड डिस्प्ले बजट में कब तक आएंगे? कर्व्ड डिस्प्ले आ जाएगा, अगले 1 साल वेट कर लो, पॉसिबली आ जाए। अभी प्रीमियम में जो चीज़ें प्रीमियम में देखिए 1-1.5 साल के अंदर तो आई जाती हैं बजट में। कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा महंगा होता है, बहुत पहले से आया हुआ है, सैमसंग बहुत पहले से लेकर आ रहा है वाटरफॉल डिस्प्ले करके, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। डिस्प्ले एक बहुत महंगी चीज़ होती है सबसे स्मार्टफोन में, क्योंकि वो सब सामने वही रहता है ना, तो उसकी क्वालिटी जितनी है उसको उस बजट में लाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करना बजट में आने की, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीलन खान की तरफ से है, सर सैमसंग अपने फोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर क्यों नहीं देता? सैमसंग अपने फोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके घर पे प्रोसेसर बनते हैं, तो दूसरे का प्रोसेसर क्यों ले? लोग स्नैपड्रैगन का मांगते हैं इसीलिए जबरदस्ती उसको लाना पड़ता है, अदरवाइज वो तो एक्सिनोस के प्रोसेसर अपने फ्लैगशिप में भी देते हैं, ठीक है नॉर्मली। और US का है जहाँ पे स्नैपड्रैगन देते हैं, क्योंकि डील हुई है उनकी स्नैपड्रैगन के साथ कि वहाँ पे वो लोग नहीं यूज कर सकते एक्सिनोस के प्रोसेसर, इसीलिए। अदरवाइज जितने भी हैं उनके स्मार्टफोन, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मेरे ख्याल से बजट वाले 1-2 फोन्स में जो 10,000-5,000 के नीचे आते हैं ना, उसमें 1-2 फोन में मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं है, लेकिन नहीं करते क्योंकि उनको खुद का, ऑब्वियसली अगर मैं समोसे बनाने वाला हूँ और मेरे घर पे खेती भी होती है आलू की, तो मैं अपने घर की आलू यूज़ करूँगा ना, थोड़ी दूसरों से खरीदने जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, रैम्बो बॉय गेमर क्या बात है, 15K में बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा है? 15K में बेस्ट, अगर 15K ही बजट है आपका और आपके पास कार्ड वार्ड इस टाइम नहीं है क्योंकि सेल चल रहा है, तो कार्ड वार्ड नहीं है, तो मैं कहूँगा रियलमी 7 सबसे बेस्ट गेमिंग फोन है, वो ले लो, या फिर उसी का ही जुड़वा भाई है रियलमी नार्जो 20 प्रो। अदरवाइज अगर आप एक्स्ट्रा बजट बढ़ा सकते हो तो पोको X3 जो है वो कार्ड के साथ आपको 15,300 तक आएगा, अगर आपके पास कार्ड हो तो देख सकते हो। लोकेश कुमार साहू, क्या अभी के टाइम में iPhone 6s लेना ठीक रहेगा? नहीं, उस पर अपडेट्स नहीं आएंगे, अब 7 तक मत लेना, 8 का भी मेरे ख्याल से टाइम जाने वाला है, अपडेट्स नहीं आएंगे, मत लेना। सुब्रत कुमार साहू, सर विच फोन इज बेस्ट अंडर 30,000 के अंदर? मैंने वीडियो बनाया है सेल में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, क्योंकि सेल चल रहे हैं अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मालूम है ना आपको बिग बिलियन डे सेल, और चल रहा है अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, आपके पास SBI और HDFC के कार्ड्स हों तो उस पर डिस्काउंट ले सकते हो, और उसके लिए मैंने 5 स्मार्टफोन डील्स की वीडियो बनाई है बेस्ट, जो अंडर 30,000 वाले हैं, देख सकते हो आप, आपके पास SBI और HDFC कार्ड है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, और अगर आप गो पैसा ऐप यूज करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक भी अर्न कर सकते हो। हाँ, गो पैसा की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली ऐप गो पैसा का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाके, एंड अगर आप उस ऐप पे जाते हो एंड साइन इन करते हो तो वहां पे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के आपको माइक्रोसाइट्स दिख जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से जाके ऐप परचेस कीजिए, एक्स्ट्रा कैशबैक आप कमा सकते हो। जैसे लैपटॉप लेते हो तो उसके ऊपर 2% है, यानी अगर आप 30,000 के आसपास का लैपटॉप लेते हो तो उस पर आपको 600 रुपए के आसपास कैशबैक आएगा, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आपको कैशबैक देंगे, जो कि 45 से 60 डेज के बीच में क्रेडिट हो जाएंगे आपके गो पैसा अकाउंट में,
जिसको बाद में अगर 250 रुपीज क्रॉस करता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। सेल का सीजन है फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, दोनों वेबसाइट्स हैं वहां पे, उसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप जाके चेक करो डील्स। तो आपको SBI कार्ड, HDFC कार्ड के अलावा इसका भी कैशबैक मिलेगा, एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हो दोस्तों, जो आपको SBI का मिल रहा है, HDFC का मिल रहा है, उसके अलावा भी। और जितने भी कैशबैक्स हैं उन्हें आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए, देख सकते हो गो पैसा ऐप, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभिलाषा सेन की तरफ से है। भैया ये फ्लिपकार्ट में दिवाली के टाइम ऑफर आते हैं ना, ये फ्लिपकार्ट में दिवाली के टाइम भी ऑफर आते हैं ना। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि यही सेल आपको, जैसे अभी 21-22 को दोनों खत्म हो रहे हैं, फिर 2-3 गैप देके फिर एक नए सेल चालू हो जाएंगे, फिर 2-3 दिन गैप देके फिर नए सेल चलूंगा, ये अगले 1-1.5 महीने चलेगा दिवाली के बाद तक। लास्ट ईयर तो 2 महीने चला था, इस बार भी चलेगा। एंड लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, अभी इन्फॉर्मेशन लिटरली कहूं तो नहीं है कि क्या ऑफर होंगे, लेकिन लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कहूं तो बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो ये सेल होता है, ये वाला, ये सबसे बड़ा सेल होता है दोनों का, इससे अच्छे ऑफर्स नहीं आएंगे, या तो यही ऑफर्स रहेंगे या तो फिर इससे कम वाले रहेंगे, इससे अच्छे ऑफर्स आपको पूरे साल नहीं मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, मैं 2 साल से सेल की वीडियो बना रहा हूं एंड उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद का आप अगर कुछ चेंज करते हैं तो देखने वाली बात होगी। परोमिता नाग, क्या दिवाली ऑफर में M31S ग्रेट इंडियन सेल से भी सस्ते में मिल सकता है? मैंने कहा ना, अगर इस सेल में जो प्राइस है ना, इससे चीपर प्राइस आप एक्सपेक्ट मत करना। अब बहुत टाइम बाद अगर लोग 1-1.5 साल बाद, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि टाइम जाने के बाद उसका जो डेप्रिसिएशन है वो होता है उसके ऊपर, तो प्राइसिंग जो होती है वो रिड्यूस होती है। लेकिन स्टिल अगर आप अभी की बात कर रहे हो अगले 1 महीने की, तो उसमें इससे सस्ता प्राइस, यही प्राइस हो सकता है लेकिन इससे सस्ता नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी तोमर, हेलो सर, मेरे पास 15,000 रुपीज हैं, ओ मुझे रियलमी 7 प्रो लेना है, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, क्या बताओ प्लीज, कर सकते हो तो रिप्लाई करो सर। 15,000 मतलब 1.5 करोड़ रुपए हुए ना, 15K होते हैं 15,000, या 15,000 लिखो, 15,000 अगर आपने लिख दिया तो 1.5 करोड़, 6 जीरो हो गए ना, 6 जीरोस, हाँ 1.5 करोड़ रुपए हो गए, तो उसमें तो आ जाएगा। अगर आपके पास खाली 15,000 है तो मैं एक मदद आपकी कर सकता हूँ कि मैं आपको मैथ सिखा सकता हूँ कि 5,000 और ऐड करके आप करोगे तो आपको रियलमी 7 प्रो मिल जाएगा, यही कर मदद कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, तो अभी यही कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है तारसेन सिंह की तरफ, तारसेन सिंह जी की तरफ से, इज सैमसंग A50s गुड? देखिए अगर आप सैमसंग के फैन हैं, ठीक है, और आपका बजट 12-13 हज़ार के हिसाब से है, तो आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, नॉक्स की सिक्योरिटी चाहिए, तो अच्छा फोन है, लिटरली अच्छा फोन है सुपर एमोलेड पैनल के साथ। लेकिन अगर आपको और अच्छे फोन चाहिए और बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो इससे अच्छे फोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोहित मंडल की तरफ से है, पोको X2 और पोको X2। पोको X2 और पोको X2, वो पहला वाला पोको X2, क्योंकि उसमें कैपिटल लेटर है, वो ज्यादा बेटर लग रहा है, वो वाला ले लेना, वो स्मॉलर लेटर वाला वो जो है वो वाले मत लेना, बड़ा वाला पोको X2 ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, अब ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुनीष ठाकुर की तरफ से, भैया ओप्पो का फाइंड X2, ओप्पो का फाइंड X2 एक्सचेंज और प्रीपेड ऑफर लगा के कितने तक मिलेगा? उसमें एक्सचेंज ऑफर नहीं है कोई भी, एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ पैसा कट जाएगा जितना आपका स्मार्टफोन, लेकिन कोई ऑफर नहीं है उसके ऊपर एक्सचेंज का कि आप एक्सचेंज करोगे 2,000 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आप कार्ड से पे करते हो, फ्लिपकार्ट पे है ना वो, मैं श्योर नहीं हूँ, फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे है, अमेजोन पे रह देख लेना, मैं अभी श्योर नहीं उस चीज़ के लिए। अमेजोन पे तो अगर आप HDFC कार्ड यूज करते हो, फ्लिपकार्ट पे तो अगर आप SBI कार्ड यूज करते हो, तो एक्स्ट्रा आपको जो भी डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 के ऊपर है तो 3,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, एंड प्लस 18,000 का उसके ऊपर प्रीपेड का ऑफ है। लेकिन अगर HDFC वाला रहेगा Amazon का, तो सिर्फ 1,750 ही मिलेगा और 18,000 आपको प्रीपेड का, तो मतलब 20,000 के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 45,000 के आसपास आ जाएगा। और कोई स्मार्टफोन एक्सचेंज कर रहे हो तो जितना उसका प्राइस उतना माइनस कर दो, वो आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट लवर की तरफ से, SBI रुपए का डेबिट कार्ड में मिलेगा 10%? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड रुपए का नहीं है, एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि उनके पास रुपए का कार्ड है बट उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने जैसे वो वीडियो में डाला कि रुपए एंड मास्टर कार्ड पे ऑफ नहीं मिल रहे, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे चैट मैसेज किया कि मेरे रुपए के कार्ड है, मुझे मिले ऑफर्स, तो रुपए के कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा माफ कर देना अगर आप बाहर से आवाज आती है, छोटी सी बच्ची है, खेल रही है शूज पहन के, तो उसके जो विसल होती है उसकी आवाज आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्वजीत पत्रा की तरफ से, क्या मैं अभी 5G फोन लेता हूँ तो उसमें 4G ठीक से चलेगा?
5G फोन में क्यों नहीं चलेगा 4G? अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या 4G फोन है तो उसमें 3G कार्ड्स नहीं चलते? अच्छे से चलती हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, उसमें चलेगा, कोई इशूज नहीं है। सूर्या प्रकाश, मीडियम यूजर के लिए बेस्ट फोन कौन सा होगा, प्लीज रिप्लाई। 17K के आसपास पोको X3 ले लीजिए, अच्छा फोन है, लिटरली बहुत अच्छा फोन है। थोड़ा वेट है उसका, वजन है, लेकिन स्टिल अगर आप फीचर्स देखना चाहते हो तो 17,000 के हिसाब से पोको X3 एक बहुत अच्छा डिवाइस है, देख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द रॉक, अकॉर्डिंग टू यू रियलमी 7 इज बेस्ट और नार्जो 20 प्रो? रियलमी 7 और नार्जो 20 प्रो, इसका आंसर मैं लास्ट वाले उसमें भी दे चुका हूँ, मेरे ख्याल से तीन उसमें दे चुका हूँ यार। रियलमी 7 बेटर है, रियलमी 7 अगर आप देखते हो तो उसमें 5000 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है, सोनी का सेंसर, और उसके बाद आपको 30W का चार्जर मिलता है। नार्जो 20 प्रो की बात करोगे तो उसमें 65W का चार्जर है, मानता हूँ बैटरी 4500 mAh की कर दी गई है, कम कर दी गई है, और कैमरा भी 48MP कर दिया गया, तो आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो देख लीजिए आप, अच्छे हैं दोनों, लेकिन मेरे हिसाब से Realme 7 ज्यादा बेटर है। अनुज भुयान, प्लीज टेल मी S20 प्लस बैटरी बैकअप। अभी मेरे पास आया नहीं है, मैंने कल का बुक किया हुआ है एंड अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है, 20 तारीख को आएगा, 20th of October को उसका डिलीवरी डेट है, जैसे आएगा मैं टेस्ट करूंगा एंड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसके लिए पूछ सकते हो। देवाशीष चौधरी भाई, क्या दिसंबर एंड में कोई सेल आएगी या अभी ही फोन लेना चाहिए? अगर आपको अभी लेना तो ले लीजिए, क्यों वेट कर रहे हो किसी और सेल का? किसी सेल में ऐसा नहीं होता, जब आप जो सेल में अभी मिल रहा है वो तब तक के लिए बहुत पुराना हो चुका होगा, भले आपको उससे कम प्राइस में मिले बहुत, लेकिन तब तक के लिए बहुत पुराना हो चुका होगा, तो आप जितना वेट करोगे चीजें उतनी पुरानी होती जाती है, तो अगर आपको लेना तो अभी ले लीजिए, अगर आप दिसंबर का वेट कर सकते हो तो करो, आना चाहिए मेरे हिसाब से, उस टाइम पे आता है सेल एंड जैसा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कह दूं तो आएगा उस टाइम पे। समरेंद्र मोहंती, फॉर कैमरा वाइज विच वन इज बेटर, M51 और LG G8X? M51 में सेंसर्स के ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे, कैमरा भी अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन LG G8X का कैमरा क्वालिटी जो है सेंसर का वो ज्यादा बेटर, उसमें OIS का सपोर्ट दिया हुआ है एंड सारी चीजें, तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी F51 क्वालिटी में। राधे गुप्ता, प्रीमियम स्मार्टफोन पर भी वीडियो बनाओ। प्रीमियम मतलब कितना? 30,000 उसका भी मैंने बनाया हुआ है, 50,000 उसका भी बनाया हुआ है, मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज जाके एक बार चेक कीजिए, मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए सेल के। अब्दुल नईम, हेलो सर, रियलमी X3 20K ले सकते हैं क्या? 20K में 20,000 में रियलमी X3 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों उसके ऊपर सिर्फ IPS डिस्प्ले होने की वजह से उसको साइड करते जा रहे हैं, लेकिन आपको स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट मिलता है जो कि फ्लैगशिप है, स्मूथ एकदम डेली यूजेस के लिए, देन उसके कैमरास भी आपको फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, बैटरी है 4200 mAh की, लेकिन 30W का चार्जर आता है, अच्छी चीज़ है, सारी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन है, नॉर्मली इस प्राइस में और कोई नहीं दे रहा है आपको, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से, अगर आपको डिस्प्ले सुपर मेड चाहिए तो बहुत सारे फोन हैं एंड अगर आपको फीचर्स अच्छे चाहिए और सारे तो अच्छा फोन है रियलमी X3 बहुत अच्छा फोन है दोस्तों। प्रसाद इंगले, A51 वर्सेज M31S? A51 वर्सेज M31S, A51 ज़्यादा बेटर लगा मुझे, नॉक्स की सिक्योरिटी है, कैमरा भी डिसेंट है एंड फीचर्स उसके ज़्यादा बेटर हैं। M31S में आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कैमरा की क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी रहेगी, बाकी सारी चीज़ों की अगर बात करोगे तो A51 ज़्यादा बेटर है, इसीलिए प्राइस भी ज़्यादा है ना, आप देख लो ना प्राइसिंग उसकी ज़्यादा है। मिलान क्रिश्चियन, रियलमी 7 और पोको M2 प्रो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर अपडेट्स, दोनों के अपडेट्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोको भी अच्छे अपडेट्स देता है, रियलमी भी अच्छे अपडेट्स देता है, फीचर के हिसाब से अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो रियलमी की तरफ जाओ, स्मूथ अगर एक्टिविटी के लिए चाहिए तो पोको अच्छा फोन है दोस्तों। सौरव मालकोटी, A50S वर्सेज F41 वर्सेज पोको X3? पोको X3, अगर आप सैमसंग फैन नहीं हो तो पोको X3 ज़्यादा बेटर है फीचर के हिसाब से, कभी भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उसमें, लेकिन बाकी सारे फीचर्स अगर आप देखोगे तो पोको X3 कहीं ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों, इसके बाद आप खुद से देख सकते हो फीचर्स कंपेयर करके। तो ये थे 20 प्लस क्वेश्चंस, सबको आंसर करने की कोशिश की है मैंने, आपके क्या क्वेश्चंस हैं नीचे लिखिए, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा एंड अगर अभी के अभी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद है,
और भी बहुत सारी वीडियोस उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।